मेरा नाम है प्यारेलाल, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। एक्चुअली हमारा बेटा है संजू, उसका बाई बर्थ हेयरिंग स्पीच प्रॉब्लम है, इज हेयरिंग लॉस। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करी है रिगार्डिंग हेयरिंग लॉस। तो हमें जो कमेंट्स हमने जो देखे हैं उसके हिसाब से हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हम चले जाते हैं, देखेंगे। बच्चे के लाइफ से बहुत ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है नहीं। तो हम कल दिल्ली यहाँ आ गए हैं, तो आज हम यहाँ पे डेथ क्योर सेंटर है, डॉक्टर सोराना है यहाँ पे, उनके यहाँ क्लिनिक पे हम आए हुए हैं। तो अभी आज फर्स्ट हमारा ये कोर्स यहाँ पे चल रहा था, और इनका जो है ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट फॉर 3 मंथ्स। तो आज जो हमें फील हुआ, अभी बच्चा जो नहीं सुन पा रहा था कोई चीज़ विदाउट यूजिंग द हेयरिंग एड, तो अभी कुछ टाइम पहले से उनका हेयरिंग एड निकाला गया है। और थोड़ा सा जो फीलिंग आ रही है कि देखिए, हर एक चीज़ जो है जो 24 ईयर से इसके साथ हो रही है, तो वो एकदम खत्म होने वाली तो है नहीं, उसका प्रॉपर 100% क्योर तो हो नहीं सकता है। 3 मंथ्स का है, लेकिन फर्स्ट फीलिंग तो यह है कि जो इसने बिना मशीन के रेस्पॉन्स दिया है उसको मद्देनजर रखकर हमें पूरा विश्वास है कि जो 3 मंथ्स का कोर्स है होपफुली काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और जो हमारे माइंड में पहले से एक बात, क्योंकि बाय बर्थ जब हमें ये फील हुआ इसके हेयरिंग लॉस का, तो हमने काफ़ी सारी जगह पे अप्रोच किया, डॉक्टर्स को मिले हम, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट किया, तो वहाँ से हमें ये रिस्पांस मिलता था कि ये एक नेचुरल एक प्रॉब्लम है इसका। तो एक तो हेयरिंग एड है, दैट इज़ ए परमानेंट थिंग फॉर इज लाइफ, नंबर वन। जी, और दूसरा चीज़ जो डॉक्टर्स का सजेशन था वो ये होता था कि इसको स्पीच थेरेपी कराना है, बिकॉज हेयरिंग एंड स्पीच जो है वो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों। तो हेयरिंग का जब मशीन से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो स्पीच का हो जाएगा थेरेपी से। तो हमारा, हम इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारा जो इसका मशीन का चेंजर जो हमें हर साल 1.5 साल और 2 साल के बाद जो चेंज करना पड़ता था, और काफ़ी कॉस्टली हमारे वो हमारे लिए वो बहुत कॉस्ट रेगुलर एक कॉस्ट होता था, उस चीज़ से बचने के लिए, और उससे इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चे की लाइफ जो स्टैंड हो रही है, होने जा रही है, तो उसके लिए हमें जो है उम्मीद यह है कि आगे जो भी 2-3 महीने का फिलहाल अभी भी इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।